नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में सीवरेज की समस्या से लोग परेशान हैं और उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया है और कहा है कि काम नहीं तो वोट नहीं। जी हां दोस्तों, ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर में नालंदा टाउन सहित लगभग एक दर्जन से अधिक कॉलोनी के लोगों ने सीवर जल भराव और जल निकासी की समस्याओं को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। कॉलोनी के लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि आगरा विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के लापरवाही रवैये के खिलाफ हम लोगों ने इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा है कि समस्या का समाधान न होने पर चुनाव बहिष्कार भी किया जा सकेगा। नालंदा टाउन सहित एडी अप्रूव्ड सहित लगभग एक दर्जन से अधिक कॉलोनी नगला कली और रजरई में स्थित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 15 साल से वो उनके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ भी सीवर लाइन नहीं है, जल निकासी के लिए नाली नहीं है, स्वीकृत कॉलोनियों में सीवरेज भी कोई व्यवस्था नहीं है, जो सीवर का पानी खुले में बह रहा है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। एडीए ने सभी स्वीकृत कॉलोनियों से बाहर विकास शुल्क तो वसूल लिया, लेकिन सड़कों और जल निकासी एवं सीवर लाइन के लिए कोई पहल नहीं की है। उन्होंने का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्रीय लोग जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पहले भी लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, लोगों ने कॉलोनियों में बैनर लगाए हैं, इस पर लिखा है कि मोदी योगी से बैर नहीं और नकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। विरोध करने वालों में देखिए एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों के लोग शामिल रहे, तो जानिए लोगों से क्या कुछ कहना है इस पूरे आयोजन को लेकर। क्या नाम? मेरा नाम विमलेश द्विवेदी है, मैं यहाँ नालंदा टाउन में निवास करता हूँ। बहुत लंबे कालखंड से लोगों की एक समस्या रही है कि पानी का निकास यहाँ पर नहीं है। जिस समय पर कोई भी आदमी एक डेवलप्ड कॉलोनी में अपना मकान लेता है तो विकास के सारे पैमानों को समुचित मानते हुए वो चलता है। आज अनूठे अंदाज में क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? भैंस के सामने बीन बजाने का मतलब क्या है? कुछ मतलब ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग समय पर उनसे वार्तालाप किया, उनसे कई बार आश्वासन भी मिले, लेकिन आश्वासन की अनुपालना में कोई भी कार्य नहीं हुआ। जब ऐसा कार्य नहीं हो रहा है तो हमको लगा कि जब भी हमने उनसे बात की लगभग शायद भैंस के साथ आगे हम लोगों ने बीन बजाई है, तो बीन बजा के हम ये प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि हमने भैंस के आगे बहुत कई बार बीन बजा ली है, अब हमको जो नोटा की मशीन है उसके ऊपर हमको मोहर लगानी है और नोटा पे मोहर लगा के हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व में भी आपने प्रदर्शन किए थे, उसमें क्या कोई सुनवाई नहीं? जिसकी कोई आउटपुट नहीं आ पा रही है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, महीने डेढ़ महीने से कई लोग प्रयास कर रहे हैं और उसकी कोई भी आउटपुट किसी तरीके से नहीं आ रही है। एक दो बार प्रशासन कभी सुनता है, बात करने आ जाते हैं, झूठो मूठा आश्वासन हो जाता है, लेकिन आउटपुट लगभग बिल्कुल नहीं मिलती है। यहाँ नाले की खुदाई तो भी नाले की खुदाई जो होनी थी, पक्का नाला बनाना चाहिए था और उसका पूरा निकास जो है वो हमारा डेयरी तक, जो भोले बाबा डेयरी है वहाँ तक पूरा होना चाहिए। यहाँ तक अगर बना के छोड़ देंगे तो आगे जब निकास नहीं होगा तो यहाँ पर भरेंगे मक्खी मच्छर मरेंगे, उस सारी समस्या होगी। एनजीटी के तमाम केसेस यहाँ पर लग जाते हैं और अंदर पानी मरता रहता है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। कहा जाए कि जनता को शांत करने के लिए कार्य किया गया था। हाँ, अल्पकालीन कार्य किया गया, अल्पकालीन कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी परिणाम तक नहीं पहुँचाया किसी भी तरीके से, वो कार्य अभी भी अधूरा है और उन्होंने उसको भी सुनना भी बंद कर दिया है। उस पर जो कार्य प्रगति पे था वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। इस समय कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो इसलिए पक्का नाला जब तक नहीं बनेगा तब तक इसके समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? तारा देवी। कहाँ से? यही नालंदा टाउन से। तो आज इस प्रकार के बैनर लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि यहाँ पे हम सालों हो गए, हम लोगों को यहाँ रहते हुए 12 साल हो गए, मुझे भी यहाँ रहते रहते कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, आने जाने बच्चे आते हैं यहाँ से, कोई कार लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, सारे यहीं फंस जाते हैं। क्या मानते हैं क्यों विकास नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं, कि यहाँ पे प्रशासन सुन ही नहीं रहा हमारी। क्षेत्रीय नेता हैं क्या, उनसे कभी कहा? क्यों नहीं कहा, बहुत कहा,
तो क्या बात है, वो सुनते नहीं है? सुनते ही नहीं है, कितनी बार बहुत ज़्यादा हम गए भी बेबी रानी मौर्या के यहाँ भी गए, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं हमारा, क्योंकि इधर के बोले इधर का मना कर देते हैं कि हाँ हाँ हम करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अब हम यहाँ पे इतने परेशान हैं मच्छरों से, गंदे पानी से, पानी भी हमारा लैट्रिन के द्वारा आ रहा है, जो घरों में नहाते रहते हैं वो भी पानी हमारा लैट्रिन में से निकल के ये पाइपलाइन जो डली हुई है वो पानी हमारे पीते हैं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीवी न्यूज़।